तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD क्लासेज में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेशन चल रहा है ये चल रहा है RRB NTPC के प्रीवियस ईयर का सेशन। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर NTPC का फॉर्म आ गया है, फिलअप भी कर दिया है और जल्दी ही पेपर भी होने वाला है जुलाई के आसपास। तो यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा प्रश्न किस अनुसार पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा लेवल है प्रश्न का। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो, मैथ्स की वीडियो, GK GS की वीडियो सब मिलती रहती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने के लिए होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा पेपर जो है ये पेपर है RRB NTPC का 2/4/2016, 2 अप्रैल 2016 को ये पेपर हुआ था। 9 बजे से 10:30 बजे की ये टाइमिंग थी। RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चंस है, हम यहाँ पर बता दें आपको कि हम सिर्फ यहाँ पर GK GS का पार्ट देखेंगे, मैथ्स रीजनिंग ये सब आपको करवाया जा रहा है। मैथ्स के पार्ट की अगर हम बात करें तो सत्यम सर उसको आपको रोज डेली आपको लाइव आकर के आपसे डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये होगा पहला क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीवों और पर्यावरण के लिए इनके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसका, उसको वैज्ञानिक विश्लेषण जो उसका किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कहा जाता है जीवों और पर्यावरण के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके वैज्ञानिक विश्लेषण को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जो यहाँ पर आपसे दिया गया है, ये बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिस शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो ये आपको खेल से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो खेल से रिलेटेड चीज़ें जो पूछी जाती हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्मैश ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आपको खेल से रिलेटेड चीज़ों को भी देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छे अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं, लिखावट बड़ी छोटी है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आजकल प्रिंटर चलता है उसकी गति को मापने के लिए, गति का उसके स्पीड का मेजरमेंट किस हिसाब से किया जाता है, अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट या शब्द प्रति मिनट। तो आपका सही आंसर जो है ये है ऑप्शन सी, सही आंसर है पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, पृष्ठ प्रति मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम पे, हम आपको आपसे केवल बात करेंगे GK GS के बारे में। देखिए ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, स्टेम सेल का प्रकार नहीं है कौन सा, नाभिरज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूलीय या सेट। तो आपका जो डी ऑप्शन है सेट, ये भ्रूण मतलब भ्रूण का स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए करवाए जा रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए, अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस RRB NTPC में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो अशोक किस वंश के सम्राट थे, ये थे मौर्य वंश के। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका मुगल वंश दिया गया है, सी दिया गया है गुप्त वंश, और डी दिया गया है चोला डायनेस्टी। तो ये बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत हैं, ये जो ए ऑप्शन है आपका मौर्य डायनेस्टी ये बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक यानी मुगल मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके गुरु का क्या नाम था, इनका गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य।
देखिए इनके गुरु आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम भी है विष्णुगुप्त, ये बात आप याद रखिएगा, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक अशोक का नाम अशोक कहाँ पर मिलता है, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो मास्की और गुर्जरा दो ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, और अशोक का एक अन्य नाम भी है देव नाम प्रिय। ठीक है, देव नाम प्रिय अशोक का एक अन्य नाम भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते चलिएगा, बाकी हम तो आपको खुद से करवा ही रहे हैं, हम तो करवा ही रहे हैं, आप खुद भी देखेंगे और भी अच्छा होगा। आप वीडियो को एक बार दो बार देख लिया करिए, इन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको तो एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होने वाले हैं जो एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो किस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था, ए जामा मस्जिद, बी बादशाही मस्जिद लाहौर, सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, और डी किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली। तो ए ऑप्शन आपका जो है जामा मस्जिद दिल्ली, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, जामा मस्जिद दिल्ली। देखिए अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि जो ये स्थापत्य कला का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया था इन्होंने, इसी की वजह से इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, निर्माण कला का राजकुमार। और अगर हम बात करते हैं शाहजहां के युग की, तो शाहजहां के युग को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के युग को। अगर यहाँ पर देखिए जामा मस्जिद दिल्ली की बात हुई है तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया शाहजहां, लेकिन अगर वहीं जामा मस्जिद आगरा की बात होती तो जामा मस्जिद आगरा का निर्माण करवाया था शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था शाहजहां ने, ये चीजें तो आपको बिल्कुल भी पता है एकदम कि ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, लेकिन ताजमहल के वास्तुकार यानी कि उस कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, तो ताजमहल के वास्तुकार या आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईसा। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, ताजमहल के वास्तुकार से रिलेटेड, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने धरोहर हैं, उनके अगर वास्तुकार का नाम पता है तो उसको आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मानव विकास से संबंधित, तो ये वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, लंबा आदमी, सीधा आदमी, बुद्धिमान आदमी, या कामकाजी आदमी। तो होमो सेपियंस यानी कि आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है बुद्धिमान आदमी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है सोचने वाला आदमी। देखिए आज का जो वर्तमान मानव है, हम लोग हैं, इसको इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, दो बार सेपियंस है, लेकिन जो क्रोमैग्नन मानव हुआ करते थे हमसे पहले उनको कहा जाता था होमो सेपियंस फिलिसिस, होमो सेपियंस फिलिसिस कहा जाता था जो पुराने आदमी होते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इरिट्रिया को, दक्षिण सूडान को, पाकिया को, या ब्रुनेई को। तो बी आपका ऑप्शन जो है दक्षिण सूडान, ये बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण सूडान में 9 जुलाई 2011 को हुआ जनमत, जनमत में स्वतंत्र, जनमत के आधार पे दक्षिण सूडान को स्वतंत्र किया गया था। देखिए दक्षिण सूडान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, वहाँ की भाषा है दक्षिण सूडान की इंग्लिश, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सलवा मीर, क्या है सलवा मीर, राजधानी क्या है जूबा, भाषा क्या है इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसेंट में, जैसे जो जो चीज़ें करंट में न्यूज में रही हैं वही चीज़ें भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अगर कोई बात कर लें हम इलाहाबाद की बात करते हैं, तो इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इलाहाबाद की इलाहाबाद नगर किसने बसाया था, इलाहाबाद का किला किन्होंने बनवाया था, ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। हालांकि वो तो है हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, जो करंट में न्यूज़ में होते हैं वहीं से रिलेट करता है चीज़ों को।
देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये सब लोग जानते हैं, जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला हत्याकांड का आदेश। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका सही आंसर ए है, यहाँ पर कर्नल लिखा हुआ है लेकिन वो थे जनरल डायर। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें आपको कि इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था इसी के बाद, और उसके बाद फिर 5 जुलाई 1922 को हुआ चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ पर ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 क्वेश्चन नंबर पे आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डी ऑप्शन से चलते हैं हम, उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, तो ऐसा नहीं है भैया, सीधा नहीं होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ये हो सकता है, देखेंगे बाद में। बी ऑप्शन कह रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, तो ऐसा तो भैया होता नहीं है कि मूल छवि, यानी कि अगर कोई आप 4 मीटर की चीज़ देख रहे हो तो आपको 8 मीटर की दिखाई दे। डी ए ऑप्शन आपसे कह रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वो उल्टी दिखाई देती है हमको, यानी कि वो उल्टा दिखाई देता है, लेकिन हमारे मतलब अनुभव के आधार पे एक्सपीरियंस से वो हम उसको सीधा देख पाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और सी ऑप्शन में जो दिया गया है बनने वाला वस्तु का समान होता है, तो वस्तु के समान तो होता है लेकिन वह उल्टा होता है। देखिए निम्नलिखित में जो भिन्न है उसको चुने, जो भिन्न है उसको चुने, कह रहा है लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि ग्रह। तो यहाँ पर जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ये मतलब ये तीनों ग्रह हैं, शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जो बाकी ये लुब्धक जो है ये ग्रह नहीं है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। और हम बात करते हैं अगर ऑप्शन बी की हेमेटाइट, तो हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, ये होता है लोहे यानी आयरन, एफ ई का अयस्क होता है हेमेटाइट। लोहे का सिंबल क्या होता है, एफ ई। देखिए यहाँ पर 14 जुलाई 2015 यानी कि ये उस टाइम का क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट से रिलेटेड प्रश्न है पूछा जा रहा है आपसे, तो करंट से रिलेटेड प्रश्न भी अच्छे अच्छे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, रोज करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहती है, उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, 2016 में दुनिया की प्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया, किस देश में किया गया, भारत में किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं उसको आप ज़रूर देख लिया कि ये, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, हम करंट के वीडियोस देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक किसका रासायनिक सूत्र है NaCl, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, ये है नमक का NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2019 में कौन सा देश करेगा? देखिए उस टाइम पे आया हुआ था, 2019 की मेजबानी कौन करेगा, तो 2019 की मेजबानी कौन करेगा, जापान करेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अब अगले 2019 में पेपर आपका होना है, तो आपको देखना है 2023 में मेजबानी कौन करेगा। तो 2023 में कौन मेजबानी करेगा रग्बी विश्व कप की, ये करेगा मेजबानी आपका फ्रांस। देखिए ऐसे जो होगा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, पिछला कहाँ पे हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप पिछला कहाँ हुआ था और आगे कहाँ होगा और इस समय कहाँ होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब 2-3 के सीरीज में आप देख लीजिए, पिछला कहाँ हुआ था, वर्तमान और उसके बाद, ठीक है, जो आने वाला है उसके बाद, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, हॉकी विश्व कप, फीफा विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, रग्बी विश्व कप, तीरंदाजी विश्व कप, ओलंपिक कहाँ पे होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होगा, एशियन गेम्स कहाँ पे होगा, तो ये सारी चीज़ें भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये आपसे कह रहा है राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राम खेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है बिहार का लोक नृत्य है। बिहार लोक नृत्य वगैरह ये सारी चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए हमारे चैनल पे आपको वीडियो भी मिलती रहती है बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिहार के लोक नृत्य की, तो कुछ लोक नृत्य हम आपको बता देते हैं। जैसे एक लोक नृत्य है झरनी, एक है कजरी, कठफोड़वा है, एक छऊ है, छऊ वहाँ का झारखंड का भी है, एक करिया झूमर है, करमा है, विद्यापति है, और कुछ है, बता देते हैं आपको लोक नाटक। लोक नाटक एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाटक है बिहार का, जट जटिन, डोकचम है, एक एक है साम चकवा, एक है कीर्तनिया, भकुली बंका, ये सारे बहुत ऐसे मतलब कुछ टेढ़े नाम है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है केवल बिहार का आपको देखना है, आपको बाकी सभी राज्यों का भी देखना है, उत्तर प्रदेश का देखना है, केरल, झारखंड, में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर, ये सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, अभी टाइम की कमी नहीं है, आप पढ़ते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।